हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। तो मैं कुछ लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग है ये। तो मतलब स्पेशल क्या, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी का सोफ़ा, जो कि आप सभी के घर में होना ही चाहिए। जब हमें इतनी सुख सुविधाएँ चाहिए तो भगवान जी को क्यों नहीं चाहिए, उन्हें भी चाहिए। तो उन्हें भी हम बड़े प्रेम पूर्वक इस सोफ़े पे बैठाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ, आप चाहें तो कार्डबोर्ड के टुकड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह का बॉक्स था तो कुरियर वगैरह में इस तरह के बॉक्स आते रहते हैं। तो आप इस तरह से बॉक्स ले करके उसको इस तरह से पूरा सोफ़े का लुक दे सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने नाप करके किस तरह से कट कर लिया है, और ये जो बॉक्स था उसको मैंने आधा कट कर लिया। यहाँ पर मैंने लिया है कुछ कपड़ा, जो कि भगवान का मतलब ऐसे होता है मुलायम नाजुक सा कपड़ा, अच्छा सा हमें ले लेना है। प्रिंट आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी का। उसके ऊपर ये फॉर्म जैसी आता है ना इस तरह का, कभी हम नए कपड़े लेते हैं शर्ट वगैरह में तो ये लग करके आता है। बस देख सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर जैसे जो ईंट का साइज होता है ना, वो उसी साइज में हमें इसे कट कर लेना है, और मतलब उसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो सभी चीज़ें। और बस उसके बाद मैंने ग्लू गन की सहायता से ये कपड़ा जो है इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। उसके बाद ये जो मैंने बैक के लिए और साइड के लिए कट किया था उसके ऊपर भी इस तरह से ये कपड़ा लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है, ग्लू गन से ही सारा काम हो जाएगा, कोई भी मशीन वगैरह का यूज़ नहीं है, क्योंकि हम जो है कार्डबोर्ड से बना रहे हैं सोफ़ा। इसीलिए अगर प्लाई वगैरह से बनाते तो उसमें थोड़ा सा और चीज़ें लगती हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह का सोफ़ा बनाना बता रहे हैं आपको कि घर में सभी चीज़ें आपके होंगी और आप बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इनको अब आप आपस में जोड़ कर एक सोफ़े का लुक हम देते हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम ग्लू गन की सहायता से इसको स्टिक कर देंगे। उसके बाद ये जो साइड हैं साइडों को लगा देंगे। तो ये एक तरह से हमारे भगवान जी का ना 3 सीटर सोफ़ा बन गया है। इसमें तीन तीन कान्हा जी छोटे वाले बैठ सकते हैं और बड़े वाले भी बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से मतलब बनाया, जैसे हमारे घर में छोटे कान्हा जी भी हैं और बड़े भी हैं। तो बस मैं लेस लेकर के आई थी, तो इस तरह से मैं मतलब मान के चलिए ये हमारा जो सोफ़ा तैयार हुआ है लगभग 50 रुपये में तैयार हो गया है। कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगा है यहाँ पे। 25 रुपये का मैं लाई थी आधा मीटर कपड़ा, और लेस लाई थी मैं 25 रुपये की। तो लेस मेरी काफ़ी बच भी गई, पूरी लेस नहीं लगी। और ये रेड वाली लेस आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी मेरे पास पुरानी पड़ी थी पहले की, क्योंकि ये सब मेरे काम चलते रहते तो इसलिए सामान मेरे पास था ही। तो बस इस तरह का लुक थोड़ा सा आ जाएगा सोफ़े वाला इस लेस को लगाने से। तो सामने फ्रंट पे मैंने रेड कलर की लेस लगाई है और साइड में मैंने वाइट कलर की लगाई है। तो एकदम देख सकते हैं कितना भव्य लग रहा है ये, कि मतलब लग रहा है बस भगवान जी अब प्रकट हो जाएंगे और इसमें बैठ जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे भगवान जी के लिए मसंद। तो मसंद बनाने के लिए मैंने रेड कलर का कपड़ा ले लिया, जो कि हमारे घर में ऑलरेडी था पहले से। उसको डबल करके इस तरह से बस सिंगल सिलाई दे देनी है, और बस इसको उल्टा कर देंगे तो ये और भी अच्छा लुक दे देगा। और बस जो हमने फॉर्म ली थी, तो मैं यहाँ पर ना रुई का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रुई कहीं ऊपर कहीं नीचे हो जाएगी इसलिए। तो वो जो फॉर्म थी उसी से मैं बना रही हूँ। तो देख सकते हैं मसंद लगभग रेडी है, बस इसका जो मुँह है उसको बंद कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी हम लेस का यूज़ करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। और आज कोई ब्लॉग या कुछ नहीं, कोई रेसिपी नहीं लेकर के आई, मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी वीडियो है जो कि जल्दी से जल्दी जाना ही चाहिए, ताकि आप भी अपने घर में जन्माष्टमी या फिर गणपति डेकोरेशन की तैयारी कर सकें। तो इस तरह से आप सोफ़ा बना करके गणपति जी को भी बैठा सकते हैं, गणपति बप्पा को, और या फिर कान्हा जी को भी बैठा सकते हैं। ये सिंहासन इस तरह से बन जाता है बहुत ही आसानी से। उसके बाद यहाँ पर मैं बना कुशन भगवान जी के, दो मैंने मसंद बनाए थे और दो के कुशन बनाए थे। तो सिंपल सा छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, उसको डबल करके बस मैंने सिल दिया है, और साइज का थोड़ा सा आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जो साइज आपको पसंद हो। बस इसके अंदर फॉर्म डालने के बाद इसका मुंह बंद कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे लेस, और लेस के बाद देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉम्पम पड़े थे तो उनको मैंने इस तरह से लगा दिया। तो देखिए इसका लुक जो है थोड़ा सा और मतलब मसंद वाला लुक एकदम आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी लेस जो एकदम पतली वाली बहुत ही सस्ते में मिल जाती है मार्केट में,
तो अगर आप चाह लो ना तो आप बहुत कम पैसे में भी भगवान जी की डेकोरेशन कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं लगते बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है लगभग 50 से 60 रुपए में ये हमारा जो तैयार हो गया है, तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। और हाँ, कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कान्हा जी के लिए। तो फिर अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आ सके और हम आपके लिए फिर लाएंगे प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से ब्लॉग इसी तरह के। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।